दोस्तों, दुनिया में काफी खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जिनके बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा, क्योंकि ये जानवर हमारे आसपास देखने को नहीं मिलते। लेकिन आज इस वीडियो में आप जिन जानवरों को देखने वाले हैं, वे आक्रामक स्वभाव के तो नहीं होते, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तब ये किसी भी हद तक खूंखार हो सकते हैं। यही आप देखने वाले हैं, जो कि खुद को बचाने के लिए शेर तक को धूल चटा सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त नारायण और आप देख रहे हैं ट्रेवल द वर्ल्ड। दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आती रहती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। नंबर 1, बेफेलो। बेफेलो अफ्रीका के जंगलों में काफी ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले जानवर हैं, जिसे अफ्रीकन फॉरेस्ट बेफेलो भी कहा जाता है। ये हर वक्त अपने झुंड के साथ रहते हैं और चुपचाप अपना खाना खाने का काम करते हैं, लेकिन ये भैंस शेर का पसंदीदा शिकार होता है, इसलिए ये हमेशा उन पर हमला करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी भैंसों का गुस्सा शेर पर भारी पड़ जाता है। जैसे यहाँ इस भैंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने शेर को किसी बॉल की तरह 2 बार हवा में उड़ा दिया। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि जब शेर के ग्रुप ने भैंसों पर हमला किया, तब भैंसों ने उन्हें ऐसा दौड़ाया कि शेर डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया और वहां से भैंसों को भगाने की कोशिश करने लगा। नंबर 2, जिराफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिराफ दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर है और शांत स्वभाव का, जो किसी पर भी आसानी से अटैक नहीं करते, लेकिन जब बात खुद को बचाने की आती है तो ये किक मास्टर बन जाते हैं, इसलिए शेर भी इनसे पंगा लेने से पहले कई बार सोचता है। शेर को अपने शिकार को पकड़ने के लिए जिराफ की गर्दन की जरूरत होती है, लेकिन जिराफ की गर्दन इतनी ऊंची होती है कि वहां तक शेर नहीं पहुंच पाते। लेकिन फिर भी कभी कभार शेर को मार खाने की खुजली होती है तो वो जिराफ पर अटैक कर देता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि 4 से 5 शेर उस जिराफ के पीछे पड़े हैं, लेकिन जिराफ ने अपनी किक से उन्हें बता दिया कि वो किन से टक्कर ले रहे हैं। बड़े जिराफ को शिकार नहीं बनाया जा सकता, इसलिए शेरों ने उनके बच्चों पर हमला कर दिया, लेकिन मोम जिराफ ने उन्हें मजा चखा दिया और वहां से भगा दिया और अपने बेबी को बचा लिया। जिराफ तो शेर के लिए खतरनाक है ही, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, वो तो आपको पता ही है। नंबर 3, हिप्पोटामस। दोस्तों, हिप्पो के स्वभाव के बारे में तो शायद आपको पता नहीं होगा। इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर भी कहा जाता है, जो सामने वाले को डराने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोल लेते हैं और ये हर किसी जानवर से पंगा लेता रहता है। वैसे हिप्पोज काफी जगहों पर बाकी जानवरों की मदद करते हुए भी पाए गए हैं। जैसे यहाँ हिप्पो ने एक जानवर को मगरमच्छ का शिकार होने से बचाया है। हिप्पोज की ताकत का अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा। अब इस क्लिप को देखिए, जिसमें इस हिप्पो ने किस तरह शेर को गर्दन से पकड़कर उड़ा दिया। लायन ने भी सोचा होगा कि मैंने इससे पंगा लेने की गलती कैसे कर ली। अगली क्लिप में देखिए, ये वाइल्ड डॉग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, जो हिप्पो से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने शेर को धूल चटा दी, उसका शिकार क्या अब ये कुत्ते करेंगे। लेकिन हिप्पो को गुस्सा खाते देख सब ने अपना रास्ता नाप लिया। नंबर 4, एलिफेंट। जमीन पर रहने वाला सबसे ताकतवर और बड़ा जानवर कोई है तो वो है हाथी। बहुत सारे लोग इन्हें पालते भी हैं। इतने बड़े होने के बावजूद लोग इनके साथ मस्ती मजाक भी करते हैं। ये अपने शांत स्वभाव की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा होता है कि शांत बैठने वाला जानवर भी खूंखार हो जाता है और ये कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि केरले के एक फेस्टिवल में इस हाथी को लाया गया था, जो इतना ज्यादा आक्रामक हो गया कि जो सामने आई सभी चीजों को तहस नहस करने लगा। इतना ही नहीं, वहां खड़े छोटे कंटेनर को भी तोड़ दिया, मानो जैसे वो इसके लिए कुछ भी नहीं है। और जंगल में ये शेर हाथी के बच्चे को शिकार करने की सोच रहे थे, लेकिन उसकी माँ ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। इतने सारे शेरों ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन फिर भी उसने सबको भगा दिया। नंबर 5, जेबरा। दोस्तों, काफी लोगों ने जेबरा को तो देखा ही होगा। इन्हें ब्लैक एंड व्हाइट धाराओं की वजह से जाना जाता है। इनका वजन 400 किलो तक हो सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि ये जानवर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ भी सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा है। ये जीव ज्यादातर शांत स्वभाव के ही होते हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये अपनी किक का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इस क्लिप को देखिए, जहाँ एक वाइल्ड बीस्ट चुपचाप खाना खा रहा था, तभी जेबरा ने उसे लात मारी। इतना ही नहीं, जेबरा लात मार कर वहाँ से भाग भी गया। वैसे जेबरा शेर से भी भिड़ने से नहीं डरते। यहाँ एक शेर जेबरा के झुंड पर अचानक हमला कर देता है,
जिसमें से वो एक जेब्रा को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। जेब्रा उस शेर का खाना बनने ही वाला था कि उसी वक्त वहाँ उसका दोस्त आ जाता है, जिसने शेर को एक जोरदार लात मारकर अपने दोस्त को छुड़ा लिया। सलाम है ऐसी दोस्ती को जो खुद की जान खतरे में डालकर अपने दोस्त की जान बचाई। इस दोस्ती के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, गेंडा। दुनिया में गेंडे की कुल 5 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। आक्रामक स्वभाव की बात की जाए तो काला गेंडा इनमें से सबसे ज्यादा खूंखार होता है। इनका वजन 1000 से लेकर 1400 किलो तक हो सकता है और इनकी हाइट 6 फीट तक बढ़ सकती है। गेंडे का मेन हथियार होता है उनके मुंह पर लगा सींग, जिससे वो किसी को भी आसानी से पछाड़ सकते हैं, फिर चाहे वो शेर क्यों न हो। ये दिखते तो शांत हैं, मगर इनका मूड कब बदल जाए इनका अंदाजा इनको खुद को भी नहीं होता। ये इतने ताकतवर और खूंखार होने की वजह से शेर भी इनसे पंगा नहीं लेते, लेकिन शेर ने ऐसा सोच भी लिया तो उसे हार ही माननी पड़ती है, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है और काफी बार गेंडे को गाड़ियां पलटते हुए भी देखा गया है। नंबर 7, टाइगर। दोस्तों, टाइगर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसका खौफ सभी जानवरों में होता है। टाइगर शिकार करने में बड़े ही माहिर होते हैं। अगर कोई इन्हें चुनौती दे तो ये उन चुनौती पर खरा उतरने की ताकत रखते हैं, वो फिर चाहे झुंड में हो या अकेले। क्या आपने कभी देखा है, अगर शेर और टाइगर आमने सामने हो जाए तो कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही ताकतवर होने के साथ साथ खूंखार भी होते हैं। लेकिन अगर इनकी बाइट फोर्स को कंपेयर किया जाए तो शेर का 650 PSI और टाइगर का 1050 PSI देखने को मिलता है, जो शेर से काफी ज्यादा है। वैसे ज्यादातर इन दोनों का आमना सामना नहीं होता, क्योंकि टाइगर भरे जंगलों में रहते हैं और लायन मैदानी इलाकों में। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलो फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।